हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मसाला भिंडी। इसके लिए हम पहले एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक प्याज को हमने 4 टुकड़ों में काट कर मिक्सी के जार में डाल दिया है, और हमने टमाटरों को भी काट कर मिक्सी के जार में डाल दिया। 2 टमाटर बड़े बड़े लिए, 1 प्याज, 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी टुकड़े करके डाल लिया, 2 हरी मिर्ची बीच से काट कर, और 6 लहसुन की कलियाँ। इन सबको मिक्सी में पेस्ट बना लिया, बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया। अब हम कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए गर तब हम इसमें अपना वही पेस्ट डालेंगे जो हमने पीसा था, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, इसको भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि तेल ऊपर आ जाए। भूनते भूनते जब ये आधा भून गया तो हमने इसमें मसाले डाले। 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच थोड़ा धनिया पाउडर सूखा। इन सबको भी भून लेंगे। हमारा मसाला तो भून चुका था, सिर्फ ये मसाले भूनेंगे। हमने आधा किलो भिंडियों को ऐसे टुकड़ों में काट लिया, उसमें 2 हरी मिर्चें भी काट ली हैं। 1 भिंडी के 2 या 3 टुकड़े करें, इतनी बड़ी रखना है साइज में। इसको मसाले के साथ मिला दें और भिंडी गलने तक पकाएं, थोड़ा सा पानी डाल डालकर। भिंडी जब गल जाएगी तो हम इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और आपको जितना भी ग्रेवी रखनी है या सूखी रखनी है उसके हिसाब से पानी डालें। 1/2 कप पानी डालें तो ज़रा सूखी सूखी होगी, 1 कप डालेंगे तो थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी। इसे आप चावल, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। इसे 5 मिनट लो हीट पर अब पकाया हमने। हमारी भिंडी तैयार। इसमें हमने 1 छोटा इसमें चाट मसाला पाउडर डाला है, इससे अच्छा टैंगी सा टेस्ट आएगा। ढाबे जैसे स्टाइल की मसाला भिंडी तैयार।